हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 12 मनी। ओके, दिस क्वेश्चन, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। नीचे जो अमाउंट दी गई है वो अमाउंट आपको बनानी है अलग अलग कॉइन का कॉम्बिनेशन करके। ओके, कॉइन आपको यूज करके आपको जो अमाउंट दी है वो आपको बनानी है। हमारे पास में कौन कौन सी कॉइन्स दी हुई है, 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज। तो हम 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज का यूज करके हम अमाउंट बनाएंगे। ओके, तो फर्स्ट देखिए हमें कौन सा बनाना है, 4 रुपीज बनाना है। तो 4 रुपीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 4 रुपीज के लिए हमें 1 रुपीज दिया हुआ है, तो हम 4 टाइम 1 रुपीज लेंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, 4 रुपीज। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए हमने 4 टाइम्स क्या लिया है, 1 रुपीज लिया है। अब हम ये 1 रुपीज को काउंट करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, 4 रुपीज बन जाएंगे। ओके, एक इस तरह से हम 4 रुपीज बना सकते हैं अलग अलग कॉइन का कॉम्बिनेशन करके। फिर नेक्स्ट हमको फिर से 4 रुपीज बनाने के लिए बोला है, तो अब हम इसमें किस तरह से कॉइन का यूज कर सकते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, तो हम 2 टाइम्स हमारा 1 1 रुपीज ले सकते हैं। ओके, 2 टाइम्स हम इस तरह से 1 1 रुपीज ले सकते हैं, और उसमें हमको यहाँ पर कौन सा कॉइन दिया है, 2 रुपीज भी यूज करने के लिए बोला गया है, तो हम इसमें 2 रुपीज ऐड कर देंगे तो हमारी कितनी रुपीज हो जाएगी, ये 4 रुपीज। 1 प्लस 1 2, और 2 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया हमारा, 4 रुपीज। ओके, अभी नेक्स्ट हमें फिर से बोला गया है 4 रुपीज बनाने के लिए, तो अभी हम इसमें कैसे कर सकते हैं, तो हमें क्या बोला गया है, 2 रुपीज का यूज करने के लिए बोला गया है ना, कॉम्बिनेशन करने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं कि हम 2 रुपीज एंड 2 रुपीज, इस तरह से 2 रुपीज एंड 2 रुपीज का कॉम्बिनेशन करके भी 4 रुपीज बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें कौन से रुपीज बनाने हैं, तो नेक्स्ट हमें 5 रुपीज बनाने हैं। 5 रुपीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 5 रुपीज के लिए हमें 5 टाइम्स 1 1 रुपीज लेने हैं, तो 5 टाइम हम 1 1 रुपीज लेंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, 5 रुपीज बन जाएंगे। ओके, देखिए अभी हमने 5 टाइम्स क्या किया है, 1 1 रुपीज लिए हैं। ओके, तो 5 टाइम 1 1 रुपीज हम अगर प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 रुपीज बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें फिर से 5 रुपीज बोला गया है, तो हम अब कौन कौन से कॉइन्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो अभी हम इधर क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 3 टाइम्स 1 रुपीज लेंगे और 1 टाइम 2 रुपीज लेंगे। ओके, 1 2 3 एंड 3 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 रुपीज हो जाएगा। ओके, फिर हमें आगे और कौन से रुपीज बनाने के लिए बोले, फिर से 5 रुपीज बनाने के लिए बोला है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम 2 रुपीज एंड 2 रुपीज, 4 रुपीज हो गया, और इसमें हमने 1 रुपीज प्लस किया तो कितने बन गए हमारे, 5 रुपीज। इस तरह से हम अलग अलग रुपीज का कॉम्बिनेशन करके 5 रुपीज बना सकते हैं। लास्ट में हमें बोला है 5 रुपीज आपको करना है, तो 5 रुपीज और कैसे हो सकता है, तो हमारा 5 रुपीज का भी हम लोग इस तरह से 5 रुपीज रख के भी हम 5 रुपीज बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमें अलग अलग कॉइन्स के कॉम्बिनेशन करके हमें रुपीज बनाने हैं। ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको कॉइन का यूज करके रुपीज बनाना सिखाया, अब आपको बुक में जब करना रहेगा तब आप इस तरह से करोगे। ओके, 1 रुपीज प्लस 1 रुपीज प्लस 1 रुपीज प्लस 1 रुपीज, इस तरह से आप लिखोगे और फिर हमारा हो जाएगा ये 4 रुपीज। ओके, जिस तरह से आपको मैंने कॉइन में समझाया था बस उसी तरह से मैंने ये रिटर्न में भी लिखा है, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने कॉइन का यूज किया था। ओके, लेकिन आपको जब करना होगा तब आपको इस तरह से लिखना होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। इसमें भी आपको ये जहां पर जो कॉइन्स दिए हुए हैं उसका यूज करके आपको अमाउंट बनानी है। ओके, तो पहले जिस तरह से मैंने आपको कॉइन लेकर के कॉम्बिनेशन करके आपको मैंने अमाउंट बनाना सिखाया है, बस इसमें भी आपको इसी तरह से करना है। देखो यहाँ पे 6 रुपीज बोले हैं, तो आपको यहाँ पे भी 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज, यानी कितनी टाइम्स हो गए, 6 टाइम। 6 टाइम्स आप 1 रुपीज लोगे तो क्या हो जाएगा, 6 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फिर से 6 रुपीज बनाना है, तो यहाँ पर आप 4 टाइम्स 1 रुपीज लोगे और 1 टाइम 2 रुपीज ले लोगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 6 रुपीज। ओके, आपको ऐड करना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इजिकल टू 4 हो गए, और उसमें 2 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फिर से 6 रुपीज बनाना है, तो यहाँ पर आप 2 टाइम्स 1 1 रुपीज लीजिए तो 2 रुपीज हो जाएगा, 2 में 2 ऐड करोगे तो 4 होगा, 4 में 2 ऐड करोगे तो 6 रुपीज हो जाएगा। ओके, फिर से 6 रुपीज बनाना है, तो आप 3 टाइम्स 2 रुपीज लोगे, 3 टाइम 2 2 2 प्लस करोगे तो 6 रुपीज बन जाएगा, और लास्ट में फिर से 6 रुपीज बनाना है, तो 1 रुपीज प्लस 5 रुपीज लोगे तो हमारा 6 रुपीज रेडी हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको ये अमाउंट बनानी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड गेस द प्राइस। आपको वो आपके फ्रेंड के साथ में नीचे जो हमारे को थिंग्स दी गई है, चीजें दी गई है, वो आपको डिस्कस करनी है और उसकी प्राइस क्या है वो आपको गेस करनी है। ओके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बेड, तो बेड की प्राइस इन लोगों ने क्या डिसाइड करी है, 20 रुपीज। तो अभी हमारे पास में ये पैंट है। ओके, तो पैंट की मिनिमम प्राइस हमारी क्या होती है, क्लोथ्स की प्राइस 400-600 ऐसी होती है ना। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, रुपीज 600। ओके, फिर बुक है, तो रीडिंग वाली बुक होती है या अदर कोई भी बुक होती है तो 50 रुपीज 100 रुपीज ऐसी आती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, रुपीज 100। इसी तरह से ये ब्रूम है, झाड़ू है, तो झाड़ू होता है तो 20 रुपीज में हमको इस तरह से झाड़ू मिल जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 20 रुपीज। ओके, फिर ये है हमारा क्रेयॉन कलर, तो कलर भी हमारे 10 रुपीज के होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, 20 रुपीज के भी आते हैं, 50 रुपीज के भी आते हैं, तो हम यहाँ पर रुपीज 10 लिख देते। ओके, उसके बाद में है वॉच, तो वॉच भी अलग अलग वॉच होती है जिनके अलग अलग रुपीज होते हैं। हैवी वाले होते हैं तो ज्यादा कॉस्टली होते हैं, थोड़े छोटे बच्चे पहनते हैं तो थोड़ा सा रिजनेबल होता है ना, तो आप यहाँ पर 50 रुपीज लिख सकते हो। ओके, और काइट है, तो काइट भी आपने देखी होगी, अभी काइट फेस्टिवल गया तो 2 रुपीज की भी काइट आती है, 5 रुपीज की भी आती है, तो हम यहाँ पे रुपीज 2 लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको अमाउंट यहाँ पर रुपीज लिखनी होगी। ओके स्टूडेंट, वंदे मातरम, थैंक यू।